गेम्स ऐप मोबाइल के लिए बनाना इनकम के लिए। देखिए, बात यह है कि आप कोई भी ऐप बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐप भी जो है वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग ये ऐप बनाते हैं, जैसे फैशन वगैरह की है, या जिसमें ख़वातीन की तस्वीरें वगैरह होती हैं, म्यूज़िक वगैरह होती हैं, या कोई गैम्बलिंग वगैरह की ऐप होती है, या गेम्स वगैरह की ऐप होती हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल कोई इंटरटेनमेंट वाली है तो इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल है। कोई नॉर्मल है, कोई मर्चेंडाइज है, कोई कॉन्टेंट्स वगैरह है, कोई इस्लामिक ऐप है, तो ज़ाहिर है ये करना बहुत अच्छी बात है अगर इस्लामिक ऐप है तो। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐप्स होती हैं जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ की बात है, किसी ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया और उसने एज ए सैम्पल एक ऐप भेजी। वो ऐप एक बताते हुए भी शर्म आती है कि एक मुसलमान हो के किसी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई कर रहा है, एंड ही सेंट अस विद द एडल्ट ऐप ही क्रिएटेड। तो इसमें बहुत एक हया वाली बात है कि एक मुसलमान किसी मुसलमान दावत ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहा है और उनको एज अ सैम्पल एडल्ट ऐप बना रहा है और बता रहे कि देख मैंने कितनी अच्छी ऐप बनाई है। सो दिस इज़ टोटली सरप्राइजिंग फॉर मी कि हमारे मुसलमान भाई बहन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं कि कोई चीज़ अल्लाह के ख़िलाफ़ है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा आप कोई भी ऐप बनाएं और उस पर आप अपनी एडसेंस भी सेटअप कर सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल विथ एनीथिंग, देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट अल्लाह एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।